राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, आज अपने किसान भाई खेत में आए हुए हैं। ये आपको ये जुगाड़ दिख रहा है, ये आप अंदाज़ा लगाओ क्या चीज़ हो सकती है। ये क्या है साथियों, बताओ आप। ये है साथियों बोरिंग करने वाली मशीन, ट्यूबवेल करने वाली मशीन है ये। इस पे ये इंजन लगा हुआ है। आजकल हाथों से बोरवेल होने बंद हो गए साथियों, ये मशीन से होता है। देखो साथियों, किसान भाई अपने खेत में ट्यूबवेल या बोरवेल भी बोल सकते हो, बोर लगा रहा है। ये देखो कितनी ऊंची लगी हुई है ये, इसको तिरपाई बोलते हैं साथियों। ये देखो पाइप अंदर डाल रखी है और ट्यूबवेल लगाने का काम चल रहा है साथियों। ये देखो पाइपें फिट कर रखी है किसान भाई ने, कट्टे वगैरह इसके पास में लगा रखे हैं ताकि पाइप इधर उधर हुले डुले नहीं। ये इधर अभी काम चल रहा है, पूरा हुआ नहीं है। ये मशीन है साथियों, इसी से पाइप अंदर डलती है, इसी से पूरा जोर लगता है। पहले के ज़माने में तो साथियों हाथों से किसान ट्यूबवेल लगाते थे। ये इसके गरारी वगैरह सब कुछ इस पे लगी हुई है, इसी से काम होता है। चाल ज़्यादा करनी है या कम करनी है, इसी पे सारा कुछ चलता है साथियों। ये आगे इसमें 3 सिलेंडर इंजन लगा हुआ है, इंजन के पावर से ही आगे वो मशीन चलती है साथियों। 2 सिलेंडर इंजन है सॉरी। ये देखो साथियों, ये इसकी तेल की टंकी है। इसमें इंजन को स्टार्ट करते हैं तो फिर मशीन में आगे गियर बदलना पड़ता है और मशीन चल पड़ती है साथियों। आप देख रहे हो, ये देखो पुली वगैरह पट्टे वगैरह सब कुछ इसी मशीन में फिटिंग हुआ है। बड़ा इंजन है साथियों, क्योंकि मशीन से ट्यूबवेल करेंगे तो थोड़ा मजबूत इंजन लगाना होगा, इसीलिए तो ज़्यादा काम करेगा ये सिस्टम। ये आप देख रहे हो जुगाड़ है साथियों, बहुत ज़बरदस्त जुगाड़ है। क्योंकि पहले तो किसान भाई हाथों से कर लेते थे, अभी 2-4 दिन में ही काम हो जाता है ये। इसका रेडिएटर वगैरह, इसमें इंजन गर्म ना हो पानी वगैरह डाल देते हैं। ये देखो शानदार सिस्टम है साथियों। आजकल बोरवेल ट्यूबवेल वगैरह इसी मशीनों से होने लग गए, हाथों से काम करना बंद कर दिया किसान भाइयों ने, थोड़ी राहत की सांस ले ली है। ये देखो इसको ट्रैक्टर के पीछे जोड़ के कहीं भी ले जा सकते हो मशीन के, ये हुक वगैरह लगा हुआ है इस पे साथियों। जय जवान जय किसान साथियों, कैसे लगा है आपको ये जुगाड़?